होते हैं जो इतना पढ़ते नहीं है लेकिन उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि उनका पेपर लिखने का ढंग, पेपर प्रेजेंट करने का ढंग बहुत अच्छा होता है। पेपर प्रेजेंट करने का ढंग सच में बता रही हूँ, जो आपका टीचर पेपर चेक कर रहा होता है वो आपको पर्सनली नहीं जानता, वो शीट देख के सबसे पहले आपको जज करते हैं, मतलब शीट का पहला पेज देख के समझ आ जाता है कि इस बच्चे को पेपर आता है कि नहीं, फिर आगे धीरे धीरे पेपर चेक करता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब टीचर ने आपको फर्स्ट शीट देखते ही जज कर लिया आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। और पेपर प्रेजेंटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है कि जिसको आपको सीखने में टाइम लगेगा, वही काम करना है जो आज तक आप करते आ रहे हो, पेपर में लिखना है, हाईलाइट करनी है, वही सारी चीजें करनी है। लेकिन ऐसी चीजें जो टीचर के लिए पेपर चेक करना ईजी कर देती है, अगर हम वो भी ऐड कर ले अपने पेपर प्रेजेंटेशन में तो हमारे लिए मार्क्स लेना ईजी हो जाता है। हर पेपर में कम से कम हम 10 से 12 नंबर ऐड ऑन कर लेते हैं, 10 से 12 नंबर कम नहीं होते, 10 से 12 मतलब हर सब्जेक्ट 1-2% हमारी परसेंटेज बढ़ा रहा होगा और हमारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस कि प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाए। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाते ही आपको मिलेगी शीट एंड क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा सबसे पहला काम आपने क्या करना है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। होता क्या है, हम पेपर मिलते ही पहला क्वेश्चन आता है और स्टार्ट कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं पूरे पेपर में तो पहले आराम से उन 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करो कि आप ये वाले 5 क्वेश्चन करने वाले हो। होता क्या है, जल्दबाजी में एक क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, फिर हमें रियलाइज होता है ये नहीं हमें अच्छे से आता, सेकंड पार्ट वाला ज्यादा अच्छे से आता है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है फर्स्ट पार्ट करने में, और आगे फिर हम पैनिक भी हो जाते हैं, स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ती है और पूरा पेपर हौच-पौच हो जाता है। तो चाहे स्टार्टिंग के 3-4 मिनट बहुत होते हैं, ले लो और अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करो। मान लो पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे और आपको 5 क्वेश्चन नहीं मिले, आपको तो पूरे पेपर में सिर्फ 3 आते हैं, करने 5 सिलेक्ट थे और आपको पेपर देख के डर लग गया, भाई मेरे से तो 5 सिलेक्ट हो ही नहीं रहे, मुझे तो 3 ही आते हैं। तो कोई बात नहीं, जो आपको 3 पहले अच्छे से आते हैं उनको सिलेक्ट करो और उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट जो आपको आते हैं एक बार अच्छे से करके उसको खत्म करके एक बार तसल्ली हो जाएगी, हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब जो मुझे 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने हैं मैं उस पर अपना माइंड भी लगा सकता हूँ, फ्रीली माइंड, एंड अपना टाइम भी अच्छे से दे सकता हूँ। तो सिलेक्शन क्वेश्चंस की पहले करनी है, सॉर्टेड वे में पेपर चलता है, पेपर होच-पोच नहीं होता। सेकेंड चीज क्या है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन अ सीक्वेंस। हमेशा क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, मतलब कंपलसरी क्वेश्चन तो हमेशा एंड में ही करना है। अगर आपके पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन आता है एंड में उसको अटेम्प्ट करते हैं जब सारा पेपर हो जाए, क्योंकि अगर स्पीड में कंपलसरी क्वेश्चंस के आंसर लिखने भी पड़े एंड में तो ये नहीं होगा कि पूरा पेपर मतलब बड़ा क्वेश्चन खराब हो रहा है, नहीं, कंपलसरी क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एंड में हमने रनिंग में भी लिखे तो मार्क्स मिल जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन लास्ट में हमने रनिंग में नहीं लिखना। तो सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन तो एंड में करेंगे। अब सीक्वेंस का मतलब क्या है, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट किया 3rd, आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया दैट इज 4th, 7th और 8th सिलेक्ट किया, राइट? तो आपने ऐसे करना, ये नहीं कि पहले 4th कर दिया फिर 8th फिर 3rd, नहीं, आपने एक ऑर्डर में ही क्वेश्चंस करने हैं, पहले 3rd करोगे फिर 4th फिर 7th फिर 8th, मतलब एक ऑर्डर पकड़ना है। अगर आपने डिसेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में कर लो, 8th 7th 4th 3rd, लेकिन एक सीक्वेंस में ही काम करना है। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैम सारे क्वेश्चंस तो कर रहे हैं टीचर चेक कर देगा, नहीं, टीचर को जितना ईज होगा पेपर चेक करने में उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो टीचर के लिए एक सीरियल ऑर्डर में चेक करना, उसका माइंड वैसा सेट होता है, इस क्वेश्चन के बाद ये आने वाला है, इस क्वेश्चन के बाद ये आने वाला है, वो बार बार क्वेश्चन पेपर नहीं देखता आपका टीचर कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन किया है कि नहीं। तो सीक्वेंस में अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा, टीचर को ईज मिलेगा और टीचर बहुत अच्छे से आपका पेपर चेक करेगा। तो ये ध्यान रखना कि आपने हमेशा सीक्वेंस में ही करने हैं एंड कंपलसरी क्वेश्चन एंड में करना है, इससे टीचर पे इंप्रेशन अच्छा जाता है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, टीचर को प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर चेक करने में, स्मूथली आपका पेपर चेक हो जाएगा। नाउ नंबर 3rd इज की थ्योरी का पेपर में क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए एंड प्रैक्टिकल के पेपर में क्या स्पेशली चीजें माइंड में रखनी चाहिए कि आपका पेपर अच्छा जाए। सबसे पहले थ्योरी में इंट्रोडक्शन जरूर देनी है, कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन हो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आनी चाहिए कि इस वाले आंसर में आप क्या क्या चीजें बताओगे, मेन उसके बारे में
में आप लेमैन लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, ऐसी लैंग्वेज जरूरी नहीं है वो बुकिश हो, आपके लिए उस चीज का क्या मतलब है। इंट्रोडक्शन का 4-5 लाइन का पैराग्राफ सबसे पहले लिखोगे। सेकंड चीज क्या है, फिर आपने डिफाइन करना है जो भी वो चीज पूछ रही है। उसके बाद ध्यान से जो चीजें क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है सिर्फ उतना ही आंसर लिखना है, वही चीजें पहले प्रेफरेंस में लिखनी है। यानी जो हमें आते हैं हम सारा लिखेंगे नहीं, बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, पेज की भी लिमिट्स हैं, टाइम भी हमें देखना है, तो जो चीजें पूछी गई हैं उन्हीं चीजों पे हमने ध्यान देना है ताकि हम अपना टाइम भी सेव कर पाए और एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में कहीं ये ना इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाए। तो जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही हमें ध्यान से करना है। नेक्स्ट इज, अगर डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स है क्वेश्चन में वो आपको जरूर बनाने हैं। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स देख के टीचर को पूरा आइडिया लग जाता है कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है या नहीं, या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, मतलब वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है, वो पूरी थ्योरी पढ़ने का कष्ट नहीं करते। और अगर थ्योरी में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो तो फिर वो ध्यान नहीं जाता टीचर का, अगर फ्लो चार्ट डायग्राम्स अच्छे से बने हो। फ्लो चार्ट डायग्राम का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप पूरा पूरा पेज उस फ्लो चार्ट या डायग्राम में लगा दो, नहीं, फ्लो चार्ट डायग्राम बिल्कुल साइड में बनाने हैं, ना ज्यादा बड़े कि टीचर को ये ना लगे शीट्स भरने के चक्कर में बनाया गया है। टीचर को ये समझ आ जाना चाहिए कि आपने टीचर की ईज के लिए, टीचर को ये समझ आ जाए कि आपको अच्छे से चीजें आती है, इसलिए आपने फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया है, टीचर को ये चीज समझ आनी चाहिए। तो साइड पे फ्लो चार्ट डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं, तो जिस क्वेश्चन में वहां स्किप नहीं करना, ये आपके नंबर बढ़ाता है। आगे आ जाओ प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल जब भी कोई क्वेश्चन होता है मैथ्स में या किसी में, तो आपने ये ध्यान रखना है कि गिवन जरूर मेंशन करना है कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो पहले लिखो कि ये चीजें मुझे गिवन है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने क्या प्रूफ करना है या फिर आप क्या निकालना चाहते हो वो भी मेंशन करो। गिवन लिख के उसके आगे सारी गिवन चीजें बताओ, टू प्रूफ टू फाइंड उसकी सारे आगे चीजें बताओ, आगे हाईलाइटेड आंसर, इसका मतलब मैं बताती हूँ। कई बार बच्चों को लगता है मैम ये तो हम स्कूल में चीजें करते थे, स्कूल वाली चीजें भी क्या वो बुरी चीजें थी? नहीं ना, वो आपको चीजें सिखाई गई हैं। यही चीजें अगर आप कुछ चीजें प्रेजेंटेशन में अच्छे से वो चीजें कॉलेज में फॉलो करते हो तो टीचर को चीजें समझ आती हैं और वो आपको नंबर देता हुआ जाता है। अगर आप गिवन टू प्रूफ टू फाइंड लिखते हो तो टीचर को ये समझ आ गया कि एटलीस्ट आपको उस चैप्टर के बारे में पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया और उस चीज के बारे में आपको नॉलेज है। चाहे आगे आके आंसर से आने में कुछ मतलब गड़बड़ हो जाए या कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको कुछ नंबर मिल चुके होंगे, आप गिवन टू प्रूफ फॉर्मूला लिख चुके होंगे, तो जीरो मार्क्स तो नहीं आएंगे। एंड में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो टीचर अपने अकॉर्डिंग कट कर लेगा मार्क्स, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो एटलीस्ट जीरो नंबर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे उस क्वेश्चन में अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है। हाईलाइटेड आंसर्स का मतलब जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो मार्क्स का या किसी चीज प्रैक्टिकल का, उसका फॉर्मूला आपने बॉक्स में डालना है और जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी आपने बॉक्स में डालने हैं। ये चीजें टीचर के लिए पेपर चेक करना बहुत ईजी कर देती है। जितना ईज टीचर के लिए पेपर चेक करने में होगा उतने नंबर आपके ज्यादा आएंगे। तो अगर आपने फॉर्मूला बॉक्स में डाला है, आपने आंसर बॉक्स में डाला, तो टीचर सारा पेपर नहीं, आप मतलब सारी एक एक लाइन नहीं पड़ेगा आपके सोल्यूशन की। गिवन टू प्रूफ देख लिया, फॉर्मूला ये वाला यूज किया ठीक है, आंसर भी ठीक है इसका, तो बस मतलब सारी कैलकुलेशन कहाँ चेक करेंगे वो, तो बस वहीं पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अरे बहुत सारी कॉपीज है चेक करने के लिए, तो एक एक लाइन वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप टीचर को डायरेक्शन देते चलो कि मैंने ये लिखा आप ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी आप ये पढ़ लीजिए, टीचर का टाइम सेव होता है, वो आपसे खुश होते हैं और आपके लिए भी अच्छा है कि वो सारा सारा नहीं पढ़ रहे, मेन मेन चीजें पढ़ के आपको मार्क्स देते हुए चल रहे हैं। तो ये चीजें माइंड में जरूर रखना। एक चीज और, मान लो यहाँ थ्योरी का पेपर चल रहा है तो किसी ने लिमिटेशन पूछी, इंपॉर्टेंस पूछी, उसके की पॉइंट्स है ना, क्या होता है लिमिटेशन है, उसकी हेडिंग लिखी, हेडिंग के पास आगे एक्सप्लेनेशन है, सेकेंड लिमिटेशन लिखी, हेडिंग है, एक्सप्लेनेशन है, तो जो हेडिंग है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, या फिर जैसे यहाँ पे बोर्ड पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है लेकिन ये मैंने जो रेड कलर से किया ये कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बट हाँ ये बता रहा है ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है, थोड़ा पढ़ने के लिए टीचर के लिए इंटरेस्टिंग बना देता है। तो अगर आप लिमिटेशन से इन सब चीजों के पॉइंट लिख रहे हो, वो जो हेडिंग्स हैं छोटी छोटी, या तो उनको पेंसिल से हाईलाइट कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो, या फिर अगर आपको डिफरेंट कलर के पेन अलाउड है तो आप हेडिंग्स जो है वो डिफरेंट कलर के पेन से भी लिख सकते हो। ये नहीं डिफरेंट कलर का मतलब ये नहीं है पिंक से लिख रहे हो रेड से लिख रहे हो, मतलब ब्लैक पेन या फिर डिफरेंट ब्लू पेन यूज करके ताकि टीचर को हाईलाइट हो जाए। लिमिटेशन पढ़नी है वो एक्सप्लेनेशन ना पढ़े, सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ के फटाफट से आपको नंबर देता जाए, ये चीज का आपने ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि मैम कितने पेजेस लिखने, क्या ये हमारे मार्क्स इफेक्ट करता है?
बिल्कुल इफेक्ट करता है कि कितने पेजेस आपने लिखने हैं, ध्यान से समझना। जब थ्योरी हो ना, ये लिटरली इम्पैक्ट करता है कि आपने कितने पेजेस का आंसर लिखा है। फॉर एग्जांपल 16 पे एक नंबर का क्वेश्चन था और आप 3-4 पेजेस में लिखा होगे, वो कम है। अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 8-10 पेजेस तो लिखने ही हैं। अब ये ध्यान रखना, हमारे पास टोटल 40 पेजेस होते हैं, शीट्स है ना, टोटल 40 होते हैं। तो ये नहीं कि 10-10 पेज पहले लिखते गए, 5 क्वेश्चन करने, 50 पेज कहाँ से लाओगे। तो 8-10 का मतलब ये है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है तो 8-9 ले लिया, कोई क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है तो 7-8 ले लिए। मतलब एवरेज जो है आपने माइंड में रखो कि 8 पेजेस के आसपास मैं ले सकता हूँ जब आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिर्फ पेजेस नहीं, मैंने जैसे जो चीज़ें बताई, की पॉइंट थोड़े हाईलाइटेड रखो, इंट्रोडक्शन लिखो, जो जो पूछा गया है वो प्रॉपरली बताओ, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो थ्योरी के 16 मार्क्स के क्वेश्चन में 8-10 पेजेस सफिशियंट है। ये 10 बहुत मैक्स बोल रही हूँ, 50 पेज नहीं मिलते आपको। 5 क्वेश्चन करने, अगर सबके 10-10 पेज लिख दोगे तो 50 पेज नहीं है हमारे पास। 8-10 का मतलब अगर किसी में 10 लग गए, कोई दूसरा क्वेश्चन कम आता तो उसमें 7 लगेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। हर क्वेश्चन 10 पेज का नहीं करना। तो एक एवरेज नंबर बता दिया, 8-10 के बीच में आप मूव कर सकते हो अगर हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर होगी ये चीज़। आगे देखो, अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1-1.5 मार्क्स इज सफिशियंट, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसके अलावा कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, वो आप अपने अकॉर्डिंग जितना रिक्वायर्ड है उतना लिख सकते हो, उसमें पेजेस का इतना टेंशन नहीं होता। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना पूछा उतना एक्सप्लेन कर दो, सफिशियंट रहता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में आ जाओ, प्रैक्टिकल में मैटर ही नहीं करता कितने पेजेस में आपने काम करना, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिकल में मैटर करता है ऊपर गिवन आपने ठीक लिखा हो, फॉर्मूला आपने जो यूज किया उसको बॉक्स में डालो, एंड नंबर 3 जो आपका आंसर है उसको बॉक्स में डालो, वो सब सही होना चाहिए। पेजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पेज पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपने ना डायरेक्ट चीज़ें लिख दी, उसको ब्रैकेट्स खोल खोल के नहीं लिखी, या कोई रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर दिया, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हो तो आप जो फॉर्मूला यूज़ करो मतलब उसके साथ लिखो ब्रैकेट में, फॉर्मूला यूज़ दिस, कि मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो वहाँ लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। प्रेजेंटेबल बहुत, मतलब पेपर आपका प्रेजेंटेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए, शीट ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ के सोल्यूशन समझ आए। तो ये नहीं कि शीट का, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में शीट का चक्कर नहीं होता, तो कुछ भी शॉर्टकट मार के आप मैथ्स या कोई भी अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सोल्यूशन लिख दो, नहीं। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसका आपने सोल्यूशन ऐसे लिखना है कि सामने वाले को आपकी कैलकुलेशन समझ आए। आप प्लस कर रहे हो, मतलब मान लो आपने स्क्वेयरिंग करी बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड दोनों तरफ आप स्क्वेयर रूट ले रहे हो, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड। स्टैट्स में आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप लिखो वहां पे दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला इज दिस। टेबल बना रहे हो, टेबल अच्छे से बनाना है, लाइंस उसकी ध्यान से लगानी है, स्केल यूज कर लो। पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, शीट्स का चक्कर बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, 2-3 पॉइंट्स और जो आपको पेपर देते हुए माइंड में रखना है, जो कि आपको पता है ये पॉइंट्स, लेकिन पेपर देते हुए कैसे इसका यूज करना ये नहीं पता। सबसे पहली चीज़ हैंडराइटिंग। मैं आपकी 1 या 2 दिन में हैंडराइटिंग चेंज नहीं कर सकती, ना आप कर सकते हो, जैसी आपकी हैंडराइटिंग है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस हैंडराइटिंग में थोड़ा सा उसको प्रॉपर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही लूज लूज लिख रहे हो, टीचर को समझ आ जाता है कि शीट्स भरने के लिए लिखा जा रहा है, वो अवॉइड करना है। बहुत टाइट टाइट भी नहीं लिखना, अब ओके मैम कैसे लिखना है, ऐसा लिखना है कि पढ़ने वाले को वो चीज़ नॉर्मल लगे। टाइट टाइट भी नहीं लिखना, वो बहुत ऐसे लगता है इरिटेटिंग सा, और ज़्यादा खुला खुला भी नहीं, समझ आता शीट्स भर रहे, तो ऐसा कि सामने वाले को ठीक लगे, आपको देखने में शीट ठीक लगनी चाहिए। सेकेंड चीज़ हैंडराइटिंग में क्या है कि आप ना जब लिखते हो उसमें क्या होता है, कई बार हम लाइन का ध्यान नहीं रखते, लाइन से नीचे वर्ड्स जा रहे हैं लाइन से ऊपर, तो थोड़ा सा ये ध्यान तो आप रख सकते हो कि लाइन पे ही लिखना है। इतने से ही आपकी हैंडराइटिंग में बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, ये छोटी सी बात है जो आप पेपर लिखते हुए ध्यान रख सकते हो। हैंडराइटिंग कोई 1-2 दिन में चेंज नहीं कर सकता, जो होना था वो हो गया, लेकिन ये जो बात है कि आपको लाइन से नीचे नहीं जाना, लाइन के फ्लो में काम करना है, इतने से ही हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब कई स्टूडेंट्स सोचते हैं मैम अच्छी हैंडराइटिंग तो है
यानी फिर हमारे मार्क्स नहीं आ सकते। हैंडराइटिंग अच्छी है बुरी का क्राइटेरिया नहीं यहाँ पे। हैंडराइटिंग का मतलब ये है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को आपके वर्ड्स आपकी लैंग्वेज पढ़ने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स या मेहनत ना करनी पड़े, शीट देख के उसको चीज़ें समझ आए ईजिली, एक्स्ट्रा एफर्ट उसके ना रखे ना लगे उसके एक्स्ट्रा एफर्ट, ऐसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए बस। इससे ज़्यादा वो आपसे कोई अच्छी कैलीग्राफी नहीं मांग रहा, बस उसको आराम से समझ आ जाए विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, ऐसी हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। प्रॉपर आराम से लिखो, 3 घंटे में पेपर हो जाता है। अभी हम स्पीड पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट इज अवॉइड कटिंग। कटिंग अवॉइड करनी है। अब क्या होता है, अगर आप पहले क्वेश्चंस अच्छे से सिलेक्ट करके कर रहे हो तो वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस होता है उन क्वेश्चंस में, तो कटिंग वैसे ही अवॉइड हो जाती है। आपने तैयारी अच्छे से की है और अगर आप सोच की चीजें लिख रहे हो, सोचने का होता है ये नहीं है कि आप बहुत धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब आपने तैयारी अच्छे से की हुई है और एक बार माइंड बना लिया अच्छा मैं ये 5 पॉइंट लिखने वाला हूँ, तो पहले माइंड सेट करके अगर आप लिख रहे हो पॉइंट्स तो वहां पे कटिंग कम होती है। और तीसरी चीज, अगर कटिंग हो भी जाती है, कुछ गलत भी जाता है, तो ऐसे ऐसे कटिंग नहीं करनी। सिंपल एक सेंसिटिव सेंसिबल सी कटिंग होती है ना, ठीक है उसको एक आपने लाइन लगा दी, ठीक है कि गड़बड़ हो गई, जहां आप कटिंग करते हो वो टीचर को अट्रैक्ट करता है कि ये वाली लाइन आके पढ़ो। मैंने एक कटिंग देखी शीट पे तो वो वाली लाइन मैं जरूर जाके पढ़ूंगी, बच्चे ने क्या गलत लिखा था जो वो सही कर रहा है। अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आप एक तरह से टीचर को इन्विटेशन दे रहे हो कि आओ ये वाली लाइन या ये पैराग्राफ मेरा पढ़ो, तो हमने इन्विटेशन नहीं देना टीचर को, हमने टीचर के लिए पॉइंट्स लिखे हैं मेन मेन, हमने टीचर को वही चेक कराने ताकि हमें फटाफट से मार्क्स मिले और अब आगे जाए, तो कटिंग को आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज मेंटेन स्पीड। हैंड राइटिंग और स्पीड बहुत आपस में रिलेटेड है। अगर हम हैंड राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दें तो स्पीड कैसे बनेगी, और स्पीड पर ध्यान दें तो हैंड राइटिंग कैसे अच्छी होगी, बहुत ध्यान समझो। स्टार्टिंग के 1 से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखने होते हैं, मीन्स आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और स्टार्टिंग का 1 घंटा आपको इतनी टेंशन भी नहीं होती, प्रॉपर चीज़ें करो। लेकिन जैसे ही 1 घंटा हो गया उसके बाद आपके पास इतना टाइम है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो, टीचर को समझ आ जाता है कि अब बच्चे को पेपर भी कंप्लीट करना है। पहली तो कुछ स्टार्टिंग की शीट इसकी ठीक है ना, एंड में ठीक है, उसने पेपर भी कंप्लीट करना है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टीचर ये चीज़ स्टूडेंट की समझता है। तो जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं बहुत नीट एंड क्लीन अच्छे से करो, स्पीड भी मेंटेन करो। अभी नहीं स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो लिख रहे हो कि मैम ने कहा था 1 घंटा बहुत आराम से काम कर सकते हो, नहीं, मेंटेन स्पीड, स्पीड थोड़ी सी होनी चाहिए पर इतना पैनिक होके नहीं, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दो। जैसे ही 1 घंटा आपका कंप्लीट हुआ उसके बाद थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ, और थोड़ी सी अगर हैंडराइटिंग रनिंग हो भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रनिंग हैंडराइटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी हैंडराइटिंग टीचर को विदाउट एफर्ट्स समझ आनी चाहिए, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, ऐसी आपने स्पीड मेंटेन करनी और ऐसी आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो वो 3 घंटे के अंदर, तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, हर पेपर में आपके 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब 1 से 2% हर पेपर आपका बढ़ा रहा होगा। तो पेपर लिखते हुए माइंड में अगर ये एजेंडा रखोगे कि टीचर के लिए चीजें इजी बनानी है कि वो टीचर इजीली पेपर चेक कर पाए, तो आपको टीचर इजीली नंबर दे पाएगा। टीचर को ईज दो, आपको इजीली वो नंबर देगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हैं। फिर भी कोई और आपको डाउट या डिस्कशन चाहिए आपके कॉलेज एग्जाम से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना कि इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि हाँ आज से पहले मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था, बट अब डेफिनेटली अब मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा। वो एक मेन पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लेकिन एक आपको लगा हाँ ये पॉइंट पे तो मैं पक्का ही ध्यान दूंगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज डीमिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।